मुख्यमंत्री रघुवर दास संथाल के दौरे के क्रम में गोड्डा जिले में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान जनता से सीधी बात की और कार्यक्रम में लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया। आपके संथाल से ही तीन तीन मुख्यमंत्री यहाँ बने, लेकिन जो संथाल समाज की सूध लेनी चाहिए, जो आदिम जनजाति समाज की सूध लेनी चाहिए, जो इस संथाल परगना की जनता की सूध लेनी चाहिए, उन्होंने सूध लेने का काम नहीं किया। सिर्फ आदिवासियों के बीच दुष्प्रचार कर अपनी राजनीतिक और अपनी मत पेटी भरने का काम किया, अपने अमीर होने का काम किया, हमारा संथाल समाज को गरीब के गरीब बने रहने। वहीं इस दौरान स्थानीय विधायक हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने घर व क्षेत्र का नेता चुनना होगा, तभी विकास होगा। रांची व जमशेदपुर का नेता आपका विकास नहीं कर सकता है। कई दशकों से ये झारखंड नामदारी पार्टियां और इस क्षेत्र में कोई राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जो नहीं चाहता आदिवासी समाज का विकास हो, जो नहीं चाहता दलित समाज शोषित वंचित समाज का विकास हो, वो वर्षों से इस क्षेत्र में गुमराह करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी आपकी जमीन छीन जाएगी। समझना आप कि कौन आपके हित में है, कौन आपके अहित में। ये बात या जितने भाई बहन बैठे हुए आप समझ के अपने अपने गांव में जागरूकता फैला। वहीं से पूर्व अंग्रेजों व महाजनी प्रथा से लड़ने वाले बैजल बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रमाण पत्र व स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के लिए चेक भी वितरण किया। गोड्डा से न्यूजीलैंड के लिए नरेंद्र की रिपोर्ट।